ट्रेन में, बस में, गाड़ियों में जाना पड़ा अपना एग्जाम देने के लिए। आदित्यनाथ जी की सरकार ने गाजीपुर के नौजवान का सेंटर गाजियाबाद, गाजियाबाद के नौजवान का सेंटर गाजीपुर, पीटी का एग्जाम उनकी पीठ पे छुरा मारने का एक कार्रवाई है। ये पीटी का एग्जाम बंद होना चाहिए। अगर दो दो तीन तीन हजार रुपए 37 लाख बच्चों ने खर्च किया तो लगभग 740 करोड़ 800 करोड़ रुपए का ये घोटाला, ये लूट बच्चों के साथ की गई, इसको बंद होना चाहिए। विधायक बनने के लिए कोई योग्यता नहीं, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता निर्धारित नहीं, और लेखपाल बनने के लिए आपको पीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। क्या आप लेखपाल बनने की योग्य है कि नहीं है, इसके लिए पीटी का एग्जाम दो। दूसरी बात, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार की बदहाली है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आज इन मुद्दों से त्रस्त है, दुखी है, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हकीकत लोगों के सामने की, स्वास्थ्य की हकीकत लोगों के सामने की। नगर पालिका के, नगर निगम के, नगर पंचायतों के चुनाव मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, और शहर को साफ करने के लिए वैसे भी झाड़ू की जरूरत है, झाड़ू चलाएंगे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।